भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसी अनाउंस कर दी है और यहाँ पे 25,000 से सैलरी शुरू होने वाली है यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होने वाला डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है तो क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस और आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि जो भी एलिजिबल है वो इसमें अप्लाई कर सकता है आपने लास्ट कुछ वीडियो को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया आई होप सेम रिस्पॉस आप इस वीडियो को भी दोगे तो इस वीडियो के लिए लाइक का टारगेट रखते हैं हंड्रेड लाइक्स तो जल्दी जाकर इस वीडियो को लाइक कीजिए और ट्वेंटी आवर्स में हंड्रेड लाइक कंप्लीट कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अगर आप गेट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए अर्न अकेडमी लेके आ रही फाइनल रिवीजन फॉर गेट मतलब आपको पता है कि गेट 2022 जो है वो फेब्रुवरी मंथ में होता है और फेब्रवरी मंथ में होने के लिए आपको यहाँ पे रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको रिवीजन करना है तो अन अकेडमी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आ रही है टॉप एजुकेटर से आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो उनसे रिवीज़न करवा सकते हो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो एक्चुअल एग्जाम जैसे होता है उसी तरह पर आप एग्ज़ाम दे सकते हो उसके साथ साथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक टेस्ट देखे आपको यहाँ पर लाइव रैंकिंग भी मिलती है जिससे आप अपना रैंक कंपेयर कर सकते हो अगर आपको अभी भी कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप सकते हो ये जो सभी चीजें हैं वो जनवरी में हर संडे को होने वाली है मतलब दो जनवरी से लेकर थर्टी जनवरी तक आपको ये सभी चीजें मिल जाएगी जिसका फायदा आप उठा सकते हो और इंपॉर्टेंट बात है अगर आप गेट 2023 और 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए अन अकेडमी लेके आ रही न्यू बैचेस तो यहां पे हर एक ब्रांच के लिए न्यू बैचेस अनाउंस कर दिए हैं आप देख सकते हो मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आईटी के लिए बैचेस अनाउंस कर दिए हैं आपको अगर चाहिए तो आप 2023 के लिए प्रिपेयर करने वाले हो तो वो भी बैचेस अनाउंस कर दिए हैं अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उनके लिए भी बैचेस अनाउंस कर दिए हैं आप यहाँ पे सभी देख सकते हो सभी बचेस यहाँ पर अनाउंस कर दिए गए हैं इनमें आप एनरोलमेंट करके अपना गेट का प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ पर सिखाने वाले जो भी एजुकेटर हैं उनको पंद्रह साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और उनसे कोचिंग लेके आप गेट का प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसके लिए डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलते हैं जिससे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो जो कि बहुत बात होती है क्योंकि जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तब हमें डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते नहीं हम अपने डाउट कहां से क्लियर करें यह हमारा हमेशा का क्वेश्चन रहता है तो आप यहाँ पे बैचेस में एनरोलमेंट करके अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो और अपना बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ पर और कुछ बैचेस अनाउंस कर दिए जो भी मैकेनिकल के लिए स्पेशल बैचेस अनाउंस कर दिए जो एसेंट बैचेस है अगर आप उनमें एनरोलमेंट करना चाहते हो तो वो भी आप एनरोलमेंट कर सकते हो इस बैच की खासियत यह है कि यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में सिखाया जाएगा मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहां पर सिखाया जाएगा सेम थिंग यहाँ पे गेट 2023 के लिए भी बैच अनाउंस कर दी गई है यहाँ पे स्पार्क बैच भी अनाउंस कर दी है जो कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाली है अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कम्प्लीटली सीखना चाहते हो तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हो बहुत सारे बैचेस हैं आप कोई भी बैच में एनरोल में करके अपना गेट का प्रिपरेशन कर सकते हो और बहुत बड़े रैंक पा सकते हो और सभी का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से एनरोल में कर सकते हो और एनरोल में करते समय आपको कोड यूज़ करना है जो कि है नोक्यूलेटर यहाँ पे आपको बॉटम में दिख रहा है नोक्यू लेटर के एन ओ डब्ल्यू सी ओलेटर जिससे आपको बैचेस के एनरोलमेंट पे टेन परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अभी बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब भेल ने अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया उसके बारे में तो क्या है नोटिफिकेशन उसके बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए होने वाली है यहाँ पे जो पोस्टिंग है वो मुंबई लोकेशन के लिए होने वाली है टोटल आठ वैकेंसी है यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 28 एट ईयर्स एज लिमिट होने वाली है एजुकेशन के साथ साथ आपको मिनिमम एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और ये जो पोजीशन है वो ऑन टेम्प्ररी बेसिस होने वाली है आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम दो साल का आपका टेम्प्ररी पोजिशन होने वाली है बट वो एक साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है जो कि थ्री ईयर्स तक हो सकती है वो भी यहाँ पर डिटेल मैंशन किया गया है सैलरी की बात करें तो यहाँ पर थर्टी से सैलरी आपकी शुरू होने वाली है नेक्स्ट ईयर के लिए आपको थर्टी और थर्ड ईयर के लिए आपको फोर्टी की सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी तो यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसके बारे में बात करते हैं अगर आपने बी बी टेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन ई एन टी सी या फिर टेलीकम्युनिकेशन से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आपको मिनिमम फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए आपके ऑल सेमेस्टर में तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो यहां पे उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें दी गई है आपको मिनिमम एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो एजुकेशन के साथ साथ आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मेंशन किया गया है अभी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहां पे सेवेंटी फाइव परसेंट जो है वो आपको बी बी टेक के लिए दिए गए हैं मतलब बी बी टेक में आपके जो मार्क्स रहेंगे उसको सेवेंटी फाइव परसेंट वेटेज दिया गया है और आपका एक्सपीरियंस को यहाँ पे टेन परसेंट का वेटेज है और इंटरव्यू को फिफ्टीन परसेंट का वेटेज है मतलब इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन होता है अगर आपको बी बी टेक में अच्छा स्कोर है तो आपका सेवेंटी फाइव परसेंट यहाँ पर ही कवर हो जाएगा और आपके पास गुड एक्सपीरियंस है तो आपका टेन परसेंट भी यहाँ पे कवर हो जाएगा बहुत छोटी चीज़ें है वो इंटरव्यू पे रहने वाली है अगर आपके पास ये सभी चीज़ें अच्छी है तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करना बहुत बढ़िया जॉब आपको मिल जाएगा इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है और एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी है वो है टू हंड्रेड रुपीज़ अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो सो so, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी बात की जाए तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात की जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शुरू हो चुके हैं और आप पंद्रह जनवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो पंद्रह जनवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है और जॉब लोकेशन है वो मुंबई लोकेशन होने वाला है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो और फिर भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग या फिर इस रिक्रूटमेंट के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए धन्यवाद